हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी 6 बज रहे हैं और 4 बजे से मैं रुका हुआ हूँ यहाँ पे। मैं दोस्त के यहाँ पे आके रुका हुआ हूँ और यहाँ से आपको दिखाऊंगा कंप्लीट, जहाँ पे पूरा कंप्लीट बाढ़ आया हुआ है। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होते जा रहा है दिन ब दिन, और अभी भी यहाँ बारिश गिर रहा है यहाँ पे, तो जा नहीं पा रहा हूँ। 2 घंटा से यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, हालत ख़राब हो गया है। तो जैसे ही छूटता है बारिश, हम आपको ले चलेंगे सीधा दिखाने के लिए, तो देखते रहिएगा। सो गाइज, अभी भी बारिश नहीं छूट रहा है, मेरा दिमाग खराब हो गया और कितना वेट करना पड़ेगा मुझे। सो चलिए स्टार्ट ही करते हैं, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा, भीजने से भीजेंगे अब। सो गाइज, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे छठ पूजा होता था, वहाँ छठ पूजा वो भी कम्प्लीट डूब चुका है और पानी का स्थिति बहुत खराब है अभी। देखिए सब तरफ, इधर भी अरे इधर भी लग रहा है यार माटी, अरे इधर रिसेंटली क्या हो रहा है, तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है यार। ओ माय, वहाँ पे देखिए, वो जो घर जो है वो 2 दिन पहले पूरा निकला हुआ था, अभी कंप्लीट डूब चुका है। वहाँ पे काम चल रहा था, यहाँ पे कंप्लीट काम चल रहा था, अभी पूरा कंप्लीट बंद हो चुका है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है अभी आसाम में कंप्लीट। हम लोग का यहाँ पे पानी खूब कम होता है, लेकिन इतना यहाँ पे आ चुका है, मतलब पूरा आसाम में अभी आसाम पूरा खराब कंडीशन में है। और दिखाते हैं आपको। इस साइड में देखो, ये हाल है। देखो अभी रोहा का कंप्लीट पार्ट दिखाना पड़ेगा, इधर पूरा क्रिटिकल कंडीशन बे, क्या होगा, कितना हरियाली था यहाँ पे, यह बे हाल है। देखो ये क्या हाल हो चुका है, हम आदमी लोग तो बच जाएंगे लेकिन इन लोगों का क्या होगा, सब यहाँ पे आश्रय लेना पड़ा है। ये देखिए बहुत बुरा हाल है, देखिए सब यहाँ पे, सब धान का सब खेती था यहाँ पे कंप्लीट, ये कंप्लीट पूरा वेस्ट हो चुका है, कंप्लीट सब टूट चुका है यहाँ पे। एक बार फार्मर से मैंने पूछा था, तो उसने बोला कि यहाँ पे अगर एक सप्ताह बाद अगर आता है सब फ्लड, तो कोई दिक्कत नहीं था, तब भी ठीक होता, लेकिन अभी कंप्लीट जितना लोग मेहनत किया था ना, उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला, पूरा ख़त्म हो चुका है यहाँ, पूरा सब जगह पूरा खेती किया ख़त्म। गाइस अभी इधर अगर और बारिश, अगर एक दिन और हो गया ना, तो इधर आप जो देख रहे हैं दोनों तरफ के बीच में जो ये रोड जो है, ये भी पानी हो गया है। देखिए गाइस, यहाँ डूब चुका है। तो गाइस देखिए, इधर पानी हो ही चुका है, जिसका डर था वही हो गया, दोनों तरफ पानी हो चुका है ख़त्म। गाइस अब मुझे डर लग रहा है इधर जाने में के लिए। ओए, रिटर्न होने में फायदा है कि जाने में फायदा है बे? ओहो, अबे कितना क्रिटिकल कंडीशन में है यार। गाइस ये हाल है अभी घर में, मैं पता नहीं चलता है कितना बाहर लगा लेते हैं यहाँ पे, रास्ता का जो कंडीशन है अब देख सकते हैं। पानी खाई नहीं, बस इधर पानी खाई नहीं। 2004 के बाद में आसाम में दूसरी बार आ रहा है, कभी इतना ख़राब से पानी आया हुआ है यहाँ पे। 2004 का बोला आफ्टर 2004 कोई ऐसा क्रिटिकल कंडीशन हुआ नहीं था कभी, और ये भी बारिश आया है लगभग, आसाम का जो फ्लड है वो तो बोला ही नहीं है, लेकिन कभी बहुत आफ्टर 2004 ये बहुत ख़राब कर दिया। कि नहीं सोच लो, नहीं जाने से फायदा हुआ क्या, छोड़ देते हैं इधर से। गाड़ी जा रहा है, डर नहीं रहा है, जा तो रहा है, उधर और मिल जाएगा ना दीपक के घर, उधर बहन के घर जो रहते इधर मतलब। तो गाइस चलिए दिखाते हैं आपको, लेकिन इतना रिक्स है ना, अगर घर में पता चला तो बैन बच जाएगा, वीडियो अपलोड होने के बाद तो पता चल ही जाएगा, लेकिन देखते हैं वीडियो अपलोड कर पाते कि नहीं। उधर देखो, वो जो दिखाई दे रहा है ना उधर, मैं जूम कर लेता हूँ, हवा देखिए
उन लोगों का घर में पूरा फ्लड आ चुका है, इसीलिए उसको वहाँ से मतलब नाव के जरिए उसको वहाँ पे बाहर निकल रहे हैं लोग। अरे रिटर्न मार दे क्या लोग, चलो देखा जाएगा। गाइस ये तो बहुत है, बहुत दिख है यहाँ पे, चलिए फिर भी दिखाते हैं आपको। गाइस हम लोग रिटर्न हो चुके हैं इधर से, उधर जो क्रिटिकल सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, इसलिए जाने नहीं भरा ही होगा। वहाँ से निकलने के बाद में अभी मैं जाने वाला हूँ एक मंदिर, एक है भूतनाथ मंदिर, बहुत पुराना। उधर का कंडीशन पता था कि उसका लेवल कितना था, चलिए अब वहाँ पे देखने जा रहे हैं उसका लेवल अब कैसा है, सिचुएशन कैसा है। तो गाइस यहाँ पे जो आप दिख रहे हो ये हम लोग छापामुख टाउन में इंटर हो रहे हैं यहाँ पे, और इधर में इधर पानी आता नहीं था, लेकिन अभी बहुत इधर भी सिचुएशन बहुत ख़राब है। यहाँ से आदमी कितना नीचे में नाव से पार होता था ना, ये कभी डूब चुका है। तो गाइस देखो इधर में एक बांध टूट गया है, उसी को देखने के लिए जा रहे हैं अभी। अरे ये रास्ता बहुत खराब है, अरे हम लोग को रिपोर्टर समझ लेगा अरे कोई, चलो इस अच्छा खराब रास्ता, इधर से गाइड नहीं जाएगा हम लोग का, पैदल जाना होगा, चलेगा। गाइस बहुत खराब है, अभी देखिए कितने बार होता है, रुके हुए हैं। लेट्स सी, 2004 के बाद ऐसा बाढ़ आया हुआ है इधर, कभी होता नहीं था। बाढ़ तो ऐसा हर साल आसाम में आता है, लेकिन ये कॉमन बात है आसाम में आना, लेकिन यहाँ पे 2004 के बाद में ऐसा बाढ़ जगा दिया है सेकेंड टाइम। गाइस में रुका हुआ आदमी जो है ना कैसे होगा मुझे देखना है, तो वो सर रुका होगा, ये जाएगा तभी सर हम पार होंगे, मज़ा आ रहा है, नहीं जाऊंगा। बाप बहुत पानी है, बहुत लेवल पानी है। हम जो रुके हुए थे वो आदमी को देखने के लिए जो टायर से कैसे जाएगा, लेकिन वो उसको कुछ शर्म आया, वो चला गया यहाँ से, हो गया किधर से एंटर होगा पता नहीं। तो चलिए दिखाते हैं, इधर बांध टूटा हुआ है, इसमें बांध टूटा हुआ है, दिखाने चलते हैं आपको। पूरा सफेद में पानी में एंटर हो चुका है, काफ़ी गहरा है इधर, फिर भी देख सकते हो इधर नदी का पानी भर चुका है, और उस साइड में बांध टूटा हुआ है, चलिए देख सकते हैं आपको। पानी का फ्लो देखो अभी भी बढ़ रहा है अपना कम्प्लीट, ट्राई कर रहा है देखो।
मैंने जहाँ पे बात किया था वो थोड़ा सा आपको दिखा दिया, और अभी आप ले चलेंगे नीचे इधर कॉम्प्लेक्स प्रमुख टाउन, इधर आपका स्टेशन है, इसी साइड से इधर एक और है गाँव, इधर ले चलेंगे आपको। घर का स्थिति क्या है दिखा दें आपको। इधर भी स्थिति खराब है, इधर की स्थिति खराब है, अरे कंप्यूटर डूब चुका है इधर में आदि लोग का घर। तो गाइस ये जो ब्रिज था, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं ना, ये ब्रिज आगे नहीं था, साढ़े 6 महीना हुआ होगा मैं भी ना, 6 मंथ होगा मैं भी, और अभी ये ब्रिज के बनाने की वजह से ये बहुत फ़ायदा हो गया है। इधर से रोहा से जो छापामुख टाउन में जो रहने वाले लोग हैं, इधर से आपका इधर एक बहुत बहुत एक पॉपुलर एक मंदिर है, ठीक है, वहाँ पे भी मैं ब्लॉग नहीं बनाया हूँ, बना दूंगा वहाँ का। तो आप इधर में आया तो इधर में ये ब्रिज बनाने से एक फ़ायदा हुआ है, इधर से जो लोग रहते थे उस साइड में तो इधर से आने में बहुत मुश्किल होता था, उधर वो ब्रिज था लेकिन वो कच्चा ब्रिज था तो आने में बहुत मुश्किल था, बहुत रिस्क था, और ये ब्रिज बनने के बाद में जो दोनों तरफ के जो लोग हैं उन लोगों का बहुत हेल्प हो चुका है। अभी आप लाइव देख रहे होंगे जो कितना हेल्प हो रहा है, अभी मैं खुद इधर आ पाया हूँ इस वजह से। तो देखिए इधर भी जो पानी का स्तर है पूरा बढ़ा हुआ है, उधर में जितने सारे लोग रहते थे उन सभी का घर जो कम्प्लीट डूब चुका है। बिहार में अगर किसी लड़का को दे दूंगा खुद शेयर होगा, बिहार में सबसे बड़ा जाएगा, आसाम का फ्लड न्यूज मिल रहा है। दिखा दिया पास में, अभी समय नहीं है, घर जाना होगा, और जाते जाते आपको जो पूरा आसाम का जो सिचुएशन है फ्लड का वो कॉम्प्लीट आपको दिखाते जा रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जितना हो सके शेयर कीजिएगा वीडियो को, तो जाते ये वीडियो देख लीजिए, कॉम्प्लीट बहुत फाइन, प्रे फॉर आसाम, क्योंकि ऐसा जो सिचुएशन था जल्द से